हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंजलि कुकिंग में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू और मटर के पराठे, और इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही अच्छे से ये फूलता भी है। जैसे पूरी फूलता है ना, एकदम वैसे ही फूलेगा। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम पराठे के लिए डो की तैयारी करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 3 कप आटा। ये कप हमारा 250 ग्राम का है, तो इस कप से हम 3 कप आटा लेंगे और इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी भी हम इसी कप से लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी ऐड करेंगे। एक ही बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। और इसको भी हम अच्छे से एकदम डो को तैयार कर लेंगे, जैसे अपन रोटी का डो तैयार करते हैं ना, एकदम वैसे ही तैयार करना है, पर उससे थोड़ा सा इसको सख्त रखेंगे। एकदम रोटी के डो जैसा सॉफ्ट नहीं रखना है, थोड़ा सा हार्ड ही रखना है। तो इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको हम अच्छे से मसल मसल कर डो को तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, डो हमारा तैयार हो गया, देख रहे हैं ना, एकदम अच्छे से तैयार हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा घी, यानी कि लगभग 1 चम्मच हमने घी लिया है, और घी को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे भी हम अच्छे से मसल मसल कर मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, घी अच्छे से मिक्स हो गया आटे में और हमारा जो डो है एकदम बढ़िया तैयार हो गया है। तो इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे मात्र 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमने एक जार लिया है और इसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इन तीनों चीज़ों का हम पेस्ट बना लेंगे और इसका पेस्ट एकदम दरदरा ही बनाएंगे। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 2 चम्मच पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, मात्र 2 चम्मच, और इसका हम एकदम दरदरा पेस्ट तैयार करेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने एकदम दरदरा पेस्ट तैयार कर लिया, देख रहे हैं ना, एकदम बढ़िया सा तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको साइड में हटा देंगे। और यहाँ पे हमने लिया है मटर, तो मटर को हमने हल्का सा बॉईल कर लिया, यानी कि मटर को हमें उतना ही बॉईल करना है जिससे कि मटर हमारा एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो इसे भी हम पीस लेंगे, इसे हम दरदरा ही पीसेंगे, और ये जार हमारा छोटा है तो इसीलिए हम इसको 2 बार करके पीसेंगे। अगर आपका बड़ा जार है तो आप 1 ही बार में पीस सकते हैं। और इसको पीसते समय पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आलू लिया है, तो आलू को हमने लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले इसको हमने बॉईल करके ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, तो आलू भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया। तो इसको भी हमने अच्छे से मैश कर लिया है और इसे हम साइड में हटा देंगे। और यहाँ पे हमने लिया है तड़के के लिए जीरा, राई और सौंफ, और यहाँ आपने लिया है कढ़ी पत्ता। तो हमारा कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गया, तो इसमें मैं डाल रही हूँ मात्र 4 से 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे और इसमें हम डालेंगे हींग। हींग से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, खुशबू भी बढ़िया आता है, पूरा किचन गमक जाएगा खुशबू से। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ जीरा, सौंफ और राई, और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से चटकने देंगे। जब ये अच्छे से चटक जाएंगे तो अब हम डालेंगे इसमें कढ़ी पत्ता, और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। मिर्च हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, पर अभी हम इसमें कम ही डालेंगे मिर्च, और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। और अब हम इन सभी मसालों को मिक्स कर देंगे और इसमें पानी अभी बिल्कुल भी नहीं डालना है। और इसी के साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा और टेस्ट भी बढ़िया आएगा। तो इन सब मसालों को हम 50% पका लेंगे और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, ऐसे ही पकाना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा पक चुका है 50%। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, इसे हम डालकर और भी पका लेंगे, यानी कि 100% हम इसको पका लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला 100% पक चुका है। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें मटर, जिसको हमने दरदरा पीस के रखा था ना, उसको अब हम डाल रहे हैं। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, दरदरा अगर आप पीस रहे तो उससे टेस्ट बढ़िया आएगा, जब आप खाएँगे तो पता चलेगा कि हाँ, मटर भी डला हुआ है इसमें। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ इसमें आलू, और मटर और आलू को हम लगभग 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे ही पकाना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाना है। और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा आमचूर पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और अब हम डालेंगे इसमें नमक, तो नमक हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, पर उससे हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि स्टफिंग को हमें आटे में भी भरना है ना, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है नमक इसमें। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हम लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे।
और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, देख रहे ना। और इसको चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। लो फ्लेम पे ही पकाना है और कंटिन्यू इसको चलाना है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ धनिया पत्ता, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और 2 से 3 मिनट हो गया तो मैं गैस कर रही हूँ बंद, और स्टफिंग हमारा बनके तैयार हो गया है। तो आप चाहे तो स्टफिंग को बनाकर फ्रिज में स्टोर करके 1 सप्ताह के लिए रख सकते हैं, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और टेस्ट जियो का त्यो रहेगा, टेस्ट तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। तो स्टफिंग बनाकर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और अगर आप चाहे तो स्टफिंग को रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हैं ठंडा होने के लिए, किसी बड़े से बर्तन में फैलाकर अच्छे से। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा डो भी अच्छे से सेट हो चुका है, तो इसको हम थोड़ा सा मसल लेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से मसल लिया है, डो हमारा एकदम सॉफ्ट हो चुका है। पहले देख रहे थे ना, पहले हमारा डो कैसा था, एकदम इससे थोड़ा सा हार्ड था, और अभी देखिए डो हमारा एकदम सॉफ्ट हो चुका है, देख रहे ना, और एकदम बढ़िया सा सेट भी हो गया है। तो मैं थोड़ा सा डो ले रही हूँ बॉल बनाने के लिए, और जैसे मैं रोटी के लिए बॉल बनाती ना, एकदम वैसे ही हमने इसमें बॉल बनाया है। ये देखिए एकदम चिकना बनाया बॉल, और हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकाए। ऐसे ही करके हम दूसरा बॉल भी बना लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने दूसरा बॉल भी बना के रेडी कर लिया, देख रहे ना, हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो अभी हम इसको साइड में हटा देंगे, और यहाँ पे हमने लिया 1 चकोटी, और यहाँ पे हमने सूखा आटा लिया है। तो अब हम एक बॉल लेंगे और आटे में हम बॉल को अच्छे से डीप कर लेंगे, ये लीजिए। और जितना भी एक्स्ट्रा आटा लगा हुआ है ना, आटे को हम अच्छे से झाड़ लेंगे, और दोनों हाथों की उंगलियों को बॉल के नीचे रखेंगे, और दोनों अंगूठे को बॉल के ऊपर और वो भी बीच में रखेंगे, और ऐसे घुमा घुमा कर हम कटोरी का शेप दे देंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया सा कटोरी का शेप आ गया है ना, लग रहा है ना, एकदम बढ़िया। तो अब हम इसमें थोड़ा सा स्टफिंग रखेंगे, तो स्टफिंग का हम छोटा सा बॉल बनाकर ही रखेंगे। ये देखिए हमने स्टफिंग इसमें डाल लिया, और उंगलियों को हम आटे में डीप कर लेंगे, और स्टफिंग के ऊपर ऐसे हम कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे अंगूठे में स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, और ऐसे घुमा घुमा कर हम इसका मुंह बंद कर लेंगे। ये देखिए, देख रहे ना, एकदम आसानी से इसका मुंह बंद हो जाएगा, और ये जो ऊपर में एक्स्ट्रा डो है उसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे ही करके निकाल लेना है, और इसको हम ऐसे दबा देंगे। और अब हम दोनों हाथों की उंगलियों से इसको हम ऐसे फैला लेंगे, इससे स्टफिंग एकदम अच्छे से चारों तरफ फैल जाएगा, और ऐसे हम दबा देंगे। और अब हम इस पे हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे चकोटी पे, और थोड़ा सा सूखा आटा हम इस पे पराठे पे भी लगा लेंगे। ये देखिए अच्छे से लगाना है सूखा आटा, कि हमारा जो पराठा है वो बेलन में बिल्कुल भी नहीं चिपका, और आसानी से बेला भी जाए। तो ऐसे हम घुमा घुमा कर और उठा उठा कर बेलेंगे, एक ही बार में नहीं बेलना है, जैसे अपन रोटी बेलते हैं ना वैसे नहीं बेलना है, इसको थोड़ा सा उठा उठा कर और चारों तरफ घुमा घुमा कर बेलना है। तो इसको हमने बेल लिया है, और थिकनेस भी इसका एकदम परफेक्ट है। तो पैन भी हमारा गर्म हो चुका है, तो अब मैं इस पर पराठा डाल दूँगी, और इसे हम लो फ्लेम पर लगभग 1 से 1.5 मिनट सेकने देंगे अच्छे से। तब तक हम दूसरे लोई को भी तैयार कर लेते हैं स्टफिंग भर के, तो सेम प्रोसेस से इसको भी हम भर लेंगे, और इसका भी हम कटोरी का शेप सेम प्रोसेस से हमने ये दिया है, जैसे पहले हमने कटोरी का शेप दिया था ना, एकदम वैसे ही इसको भी बनाया हमने। और ये लीजिए फ्रेंड्स, 1 से 1.5 मिनट हो गए, इसका कलर एकदम बढ़िया सा चेंज हो गया, एकदम गोल्डन यानी कि एकदम ब्राउनिश कलर आ चुका है। तो इसको हमने पलट दिया है, और दूसरी तरफ से भी हम इसको 2 से 3 मिनट तक सेकने देंगे लो फ्लेम पर। और ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 2 से 3 मिनट हो गया है, अच्छे से सीख चुका है। तो मैं इस पे लगा रही हूँ घी, देसी घी, आप यहाँ पे चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। और घी लगाने से क्या होगा कि हमारा जो पराठा है ऊपर से हार्ड नहीं होगा, और सूखेगा भी नहीं, और एकदम सॉफ्ट बना रहेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पराठे को बना के रेडी कर लिया, देख रहे ना, हमारा एक पराठा बन के रेडी हो चुका है। तो इसको अब हम निकाल लेंगे, ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने पराठे को निकाल लिया थाली में। ऐसे ही करके हम सारे पराठे को बना लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा पराठा है, तो इसको भी हम सेम प्रोसेस से ही सेकेंगे। तो लगभग ये देख रहे हैं ना, 1 से 1.5 मिनट हुआ था, और एकदम बढ़िया कलर आ गया है। तो इसको अब हम फिर से पलट लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पीछे से भी इसका कलर एकदम बढ़िया आया है। तो मैं इसमें भी घी लगा दे रही हूँ, और अब हम इसको पलट देंगे। और ये लीजिए, हमने इसको पलट दिया, और फिर से हम घी इस पर लगा देंगे।
कि ऊपर से हार्ड ना हो। और ये देखिए फ्रेंड्स कैसे फूल रहा है, देख रहे हैं ना एकदम बलून के जैसे फूल रहा है ना, जैसे पूरी फूलता है ना एकदम वैसे ही फूल रहा है। और ये फूल कर फट चुका है। ये लीजिए फ्रेंड्स हमारा दूसरा पूरी भी बन के रेडी हो गया है, देख रहे हैं ना किनारे किनारे से भी एकदम अच्छे से सीख चुका है। और ऐसे ही करके हम लगभग हमने यहाँ पे 3 से 4 पराठे बना लिए हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स ये हमारा तीसरा पराठा है, इसको भी हमने सेम प्रोसेस से ही बनाया है। और देसी घी में तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप चाहे तो यहाँ पे बटर का भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास में बटर नहीं है घी नहीं है तो रिफाइंड ऑयल तो होगा ही होगा, आप वो भी डालकर बना सकते हैं, पर टेस्ट ऐसा नहीं आएगा, घी जैसा नहीं आएगा, बटर जैसा नहीं आएगा, रिफाइंड ऑयल का टेस्ट अलग ही आएगा। तो ऐसे ही करके हमने यहाँ पे लगभग 3 से 4 पराठे बना कर रेडी कर लिया। और देख रहे हैं कैसे फूल रहा है, एकदम बलून के जैसे ये फूल रहा है, वाह क्या फूला है। और हमारा पराठा बन के भी रेडी हो गया है। तो मैं आपको एक पराठे को तोड़ के दिखा रही हूँ कि इसमें स्टफिंग देखिए कितना अच्छे से एकदम चारों तरफ एकदम किनारे तक फैला हुआ है। ये देखिए देख रहे हैं ना स्टफिंग एकदम किनारे किनारे तक फैला हुआ है। और जब मैं इसको अच्छे से मोड़ूंगी ना तो ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है और एकदम सॉफ्ट है, देख रहे हैं ना। तो इसको हमने टमाटर की चटनी और रायता के साथ में हमने इसको सर्व कर लिया। हमारे घर में सभी को पसंद है टमाटर की चटनी और साथ में रायता। अगर आप आलू और मटर के पराठे बना रहे हैं तो रायता और टमाटर की चटनी तो होनी चाहिए। अगर टमाटर की चटनी और रायता नहीं है तो इसके बिना पराठा अधूरा है, इसके बिना तो टेस्ट आ ही नहीं सकता है। हमारे घर में तो बिना रायता और बिना टमाटर के चटनी के साथ हो ही नहीं सकता है, काम ही नहीं चलेगा किसी का भी, कोई भी नहीं खा पाएगा। अगर रायता नहीं है टमाटर नहीं है तो कोई नहीं खाएगा, सबको रायता और टमाटर की चटनी चाहिए, इतना पसंद है सभी को पसंद है। तो फ्रेंड्स एक बार आप भी बनाइए मेरे तरीके से टमाटर की चटनी और रायता और साथ में आलू और मटर की पराठा, बहुत ही बढ़िया लगता है। और पूरे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके इंजॉय कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यदि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लाइक कमेंट्स एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी ना भूलिएगा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।